हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास ये बैरिंग है 22210 CKW33। दोस्तों, हम लोग समझते हैं इसके नंबर का क्या मतलब होता है, इसके बैरिंग का और नंबर से क्या रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना रखी बैरिंग सीरीज और बैरिंग टाइप के ऊपर, तो दोस्तों ये बैरिंग का जो टाइप है वो 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये स्फेरिकल रोलर बैरिंग है। सेकेंड डिजिट इसका जो है दोस्तों फिर 2 है, तो ये आपका लाइट सीरीज का बैरिंग है। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट के 2 अंक के 10 है, तो 10 को अगर 5 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो बैरिंग का बोर निकल जाएगा, शाफ्ट का साइज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये CKW33 इसका क्या मतलब है दोस्तों, हम लोग समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सी का मतलब होता है इसका क्लियरेंस, जो रोलिंग एलिमेंट लगे हैं दोस्तों इसमें, जो रोलर लगे हैं इसके रोलर और आउटर के बीच में जो क्लियरेंस होता है दोस्तों, तो वो क्लियरेंस, तो ये सी लिखा है इसमें दोस्तों, तो ये नॉर्मल क्लियरेंस का बैरिंग है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे के लिखा है, तो के का मतलब होता है दोस्तों इसका बोर, बोर इसका टेपर बोर है जिसमें स्लीव लग के ये बैरिंग लगेगी दोस्तों, ये टेपर बोर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका कॉलर का साइज देखिए, इधर साइज इसका कम है और पीछे साइड में ये कॉलर का साइज ज़्यादा मोटाई है, ये इधर से कम है और इधर से ज़्यादा इसका बोर है। ठीक है दोस्तों, इतनी टेपर बोर। W33 का मतलब समझते हैं दोस्तों, W33 का मतलब होता है ये दोस्तों ऑयल लुब्रिकेटेड बैरिंग है, और इसमें दोस्तों आप इसके आउटर में होल होंगे, ये दोस्तों इसमें होल है, 3 होल है, एक ये 2 और फिर ये 3, इसका आउटर में 3 होल है दोस्तों। इसके जो लुब्रिकेशन होगा वो ऑयल लुब्रिकेशन है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रीस का बैरिंग नहीं है, ऑयल लुब्रिकेटेड बैरिंग है दोस्तों। दूसरा जो बैरिंग मेरे पास है इसका नंबर है 6307 2Z C3। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। 63 का मतलब जैसे दोस्तों 6 से स्टार्ट है, तो 6 का मतलब डीप ग्रूव बॉल बैरिंग, सेकंड डिजिट 3 है, तो ये आपका मीडियम सीरीज का बैरिंग है। और 07 जो 07 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 35 आ जाएगा, जिसका 35 ये बैरिंग का आईडी होगा, शाफ्ट का साइज। ठीक है दोस्तों, ओडी इसकी 80 mm है और 21 mm इस बैरिंग का विड्थ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इसमें नंबर आगे लिखा है 2Z, 2Z का मतलब है दोस्तों, 2Z का मतलब होता है दोनों साइड मेटल की सील, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये मेटल की सील लगी इधर भी और इधर भी, ये 2Z हो गया। अगर सिंगल Z होता तो ये 1 साइड मेटल की सील होती। लास्ट का 3 का मतलब होता है दोस्तों ग्रेटर देन नॉर्मल क्लियरेंस, इसका बैरिंग का जो गोलियों का क्लियरेंस है आउटर रेस और इसके बॉल के बीच में जो क्लियरेंस है दोस्तों, वो नॉर्मल क्लियरेंस से थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस है, वो C3 क्लियरेंस होता है जो ग्रेटर देन नॉर्मल क्लियरेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।